नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद 365। आपके साथ मैं रेनू प्रीति। जन्माष्टमी का महाउत्सव है और पूरे देश में इसका जो श्रृंगार है, जन्माष्टमी का जो धूम है, वो साफ तौर पर देखी जा रही है। इस वक्त मैं देहरादून में हूँ। 19 अगस्त है आज और इस्कॉन के द्वारा देहरादून में एक दिव्य और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आए हैं। कृष्ण भक्त जो हैं वो दर्शन कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो इस्कॉन मैंने आपको नाम लिया, ये इस्कॉन एक ऐसी संस्था आज बन चुकी है जिसने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी कृष्ण के प्रति जो भक्ति है उसका प्रचार प्रसार किया है। और यहाँ पर मेरे साथ इस्कॉन से करुणा माधव दास जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। आज एक बहुत ही भव्य दिव्य कार्यक्रम हमें देहरादून में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो क्या संदेश ये देता है? देखिए, भगवान कृष्ण का संदेश भगवद गीता में है और भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर हम सब लोग बहुत प्रेम से दुनिया में जो भी है उसको भगवान की एक प्रॉपर्टी समझ के हम उसको यूज़ करें तो पूरे विश्व में शांति फैल सकती है। यही गीता का संदेश इस्कॉन 1960 से दे रहा है और 1966 में जब इसकी स्थापना हुई तब से आज तक 50 करोड़ से ज़्यादा हमारी जो वैदिक साहित्य की जो पुस्तकें हैं वो इस्कॉन इसका वितरण कर चुका है पूरे विश्व में। और अभी इस समय में क्योंकि जन्माष्टमी चल रही है तो जन्माष्टमी के अवसर पर हमारे 800 से ज़्यादा सेंटर हैं पूरे विश्व में। और अभी ऐसा कोई देश नहीं होगा, ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहाँ पे लोग मिल के साथ में भगवान कृष्ण का जो आविर्भाव है 12 बजे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसको साथ मिल के बना रहे हैं। और हम यही एक संदेश देना चाहते हैं कि सभी जो भी जीवात्माएँ हैं वो भगवान की संतान हैं और यही समझ के सब साथ में अगर मिलजुल के रहेंगे और भगवान की सत्ता को अच्छे से चलाएंगे तो पूरे विश्व में शांति रहेगी। माधव जी, आज भी एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में कहाँ कहाँ से लोग आए हैं और क्या क्या यहाँ पे रूपरेखा रखी गई है? तो ये कार्यक्रम सुबह 5 बजे से चल रहा है और ये रात 12 बजे तक चलता रहेगा। इसमें करीब 8 से 10 हज़ार भक्त यहाँ पर आज रहेंगे। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जन्माष्टमी उत्सव है और यहाँ पे 4 बजे से बहुत ही स्पेशल श्रृंखलाएँ चालू हो चुकी हैं। डांस, ड्रामा, बच्चों की एक्टिविटी, श्लोक का रेसिटेशन, हमारे यहाँ काफ़ी बच्चे हैं जो भगवद गीता को पूरा कंठस्थ करके रिसाइट करते हैं, वो सब भी रहिए। साथ ही साथ भगवान का अभिषेक होगा 10:30 बजे से और 12 बजे उनके लिए मुख्य आरती करके प्रोग्राम को विराम दिया जाएगा। अच्छा, इस्कॉन से काफ़ी संख्या में विदेशी लोग भी जुड़े हैं, जब वो इस्कॉन से जुड़ते हैं तो कैसा अनुभव आपने देखा उनके साथ? ये बड़ी अद्भुत बात है कि ठीक है ये बहुत बड़ी अद्भुत बात है कि भगवान ये बहुत बड़ी अद्भुत बात है कि भगवान से कोई भी जुड़ता है, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे कोई बाहर का हो, वो हमारी सभ्यता को ऐसे अपना रहे हैं जैसे हिंदुस्तानियों ने भी नहीं अपनाया है। और उनका अनुभव, वो कृष्ण को जानते तो नहीं हैं परंतु जब वो हमारी गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो उनको हमसे भी ज़्यादा विश्वास होता है। आज पूरे विश्व में चाइना, जापान, रशिया, हर जगह कृष्ण के भक्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप सभी को भी कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।